ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਓਹੋ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ मेरी बच्ची ने तेन वापिस इना कहना शुक्रिया तू मैं वेख लै
उन्हें जिन्हों वेखना है अखां दे विच अखां पैणियां ने बस बाद च एक गंदा जिहा गाणा चलना तुहाडा प्यार हो जाना एक मजलूम औरत नूं धक्का दित्ते मेरे नसीब ना आई बगैर मैं तेरी अखां दी वसत पढ़ ली तू जो चाहना है ते मेरे को इनकार नहीं हो रहा बेटा मेरी बच्ची की इज्जत बचा ले मैं सख्त औरत नहीं तू सिर्फ इज्जत बचानी है उस सुबह मैं सख्त हो जाना तू मेरे तरले करने ले कि मैं मेरा विवाह अपनी बच्ची ना कर दे मैं नहीं मनना मैं बिल्कुल तुम्हारे तरले नहीं करता जाओ बाहर से मैं दो तीन साल तक बेटा नहीं मनना उस सुबह मजबूर होकर मन जाना मैं तो तुम्हारा विवाह करा दे मदद की थी तेरी मां ने हां तू दस
ਮਰੀਦ ਕਦੇ ਆ ਖੁਸਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਟ ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹੂ ਓਏ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਓਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਲੀ ਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਖਬਰਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਯਾਰ
रहने दे, वो मैं बताऊं। नहीं, बताओ, खुल के बताओ। कोई बात नहीं। दस दस
बन गया कमरे तो बड़े बानो के चार कमरे हैं आहो बेड़ा नहीं बन दिया इतने अच्छा फिर बानो सड़क रही होनी है अच्छा गल सुन तू इस तरह कर हनीफ ने प्रॉपर्टी डीलर ओनू फोन कर लो ओ तेरी स्टोरी च बड़ी मदद करेगा बहुत अच्छा जा शाबाश ए मेनू लिफ्ट नहीं करा रही तू जानदी नहीं मैं कितना बड़ा राइटर हां कितने बड़े ओ गाना किने लिखया कौन सा गाना जी विच गाना फेरदा किसने लबो ओनू मारो लबो कौन हो अच्छा मेरी बात सुन हां जी आप हमें देंगी 10 लाख रुपए 10 लाख नहीं 5 लाख रुपए नहीं स्वीटी 5 लाख तो आपकी पेमेंट शो करनी है 5 लाख तो आपका शो करना अच्छा लोगों को बताना लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने पैसे दिए हैं ठीक है 5 लाख रुपए आप अपने लिए है 5 आपका और 1.25 इसका हाँ बहुत अच्छे डांस बहुत अच्छा करती है मैं सेक्रेटरी थी ये हमारे दफ्तर का असूल है सेक्रेटरी के साथ हम ऐसे करते हैं खाना खराब हर अच्छा आप मुझे पैसे बढ़ा आप ये बताएं कि आप मुझे फिल्म में रोल क्या देंगे हम आपको रोल देंगे ऐसा रोल देंगे इंशाल्लाह ताला हम आपको आप चौथी पांचवी फिल्म में आप सुपरस्टार बन जाएंगे ऐसा रोल देंगे अच्छा दूसरा समझ नहीं होंगे रोल देंगे जवेद हसन है यार मैं ये सोच लिया चार कमरे ने जे बानो दा अब्बा बाहर आ गया वो कितने रहेगा यार इस तरह कर हाँ ए अपना सामने नहीं चाचा शफी हाँ 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 पूछ उन्हें पाया पेइंग गेस्ट अच्छा उन्हें कोड़ सुआ ठीक है चल अच्छा मेरी बात सुनो ना फिल्म की बात करें मुझे ये बताएं कि हीरो कौन होगा हीरो देखिए मेरे पैसे देने हीरो मेरी मर्जी का होगा ये बात ना दसना ना दसना हीरो परेशान ये हाँ नहीं जी मैंने पैसे देने हीरो कोई सुपरस्टार होना चाहिए सुपरस्टार रिजेक्ट कर देता जी ये परेशान है इसके पास कितनी बड़ी मर्सिडीज है कितनी बड़ी मर्सिडीज है ये उसके पास इतनी बड़ी मर्सिडीज है ये सब दोस्त मिलके धोते हैं उसको मेरे को निकले पहन के हाँ कितनी बड़ी मर्सिडीज है मिलके धोते हैं हाँ मिलके धोते हैं मेरी बात सुनो तू कौन है आप सेक्रेटरी मैं डायरेक्टर साहब आपने इसको आप सैमा के मुकाबले में लेके आना बिल्कुल बिल्कुल आए ठीक है जी और मैम क्या हो गया उनकी फिल्म बनी है ना मिजाजन हमने इसकी फिल्म बनानी है हाजन स्वागत बन गई चार कमरे में समा सब आए ने तीजा चार था तू यार चार आदमी यार चलो स्टोरी चलो आप ऐसा करो आप यहाँ आओ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं परेशान परेशान साहब असल में सीन तो आप मूड बना रहे हैं राइटर है वो राइटर तेरे वाले बैठने यार बानो यार हानो है कोई इसको डालो ठीक है
फाइट आप उसमें हीरो बना। आपका नाम होगा इसमें जेबी, ठीक है? नहीं। फरी, ठीक है? नहीं। फरी? नहीं। फरा? नहीं। जी ना, फरा था मैंने नहीं। अट्रैक्टिव ना, पिनो केंची। हमारे जो प्रमोटर है ना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ। वो भी अभी तशरीफ ले आएंगे। अच्छा। उनके साथ आपकी डिस्कस करवानी मैंने। really? मैंने यही कहा कि इनको हमने 5 लाख देना है। बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची रिपोर्ट निकली। ये मेरी पेमेंट निकलनी चाहिए, ठीक है? देख लेंगे क्या हो गया। आप जरूर, जैसे ही तुम्हारी पेमेंट हाथ में आएगी, इंशाल्लाह ताला हम में से कोई निकाल लेगा। ऐसे पेमेंट निकलेगी तुम्हारी। अरे
माशाल्लाह 18-18 घंटे सोती है। अच्छा इतनी बिजी है। अठारह घंटे काम करती है। 3 घंटे का तो मेकअप होता है, 18-3 21 और 1 घंटा होती है लेट। अच्छा हाँ जी, तो 2 घंटे रह गए बाकी, 2 घंटे में पहुंच के 1 घंटा डाल दिए किलकिल, बाकी रह गए 1 घंटा। 1 घंटा पेमेंट मांगती है और 5 मिनट में निकल जाती है। ये तो 18 घंटे सोती हैं। अच्छा हाँ जी, अपनी मर्जी ने सिर्फ 8 घंटे ही सोने। अच्छा अच्छा, अब आपको मैं एक बात कर दूं क्लियर। इधर आओ प्रोड्यूसर भाई, आप जरा 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये करना है कि ये जो आदमी है ना, आपने इसको दिखाना रक्सल का सा, आपने ट्राई देनी है, ये पैसे देगा आपको नजर। हाँ। वो हम उठा लेंगे। एक मिनट ठहरो, उसके बाद इसको कहेंगे कि पैसे लेके। एक मिनट ठहरो, वो आप उठा लेंगे। एक मिनट ठहरो, वो की ना था बानो, फिर आपको मुझे करना हो तो उधर जा। आप क्या करेंगे उनको? आपको थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, क्रिकेट दिखा। इधर आ जाए, सारे मैं चलो स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन करो। सपना कट देवे, ये आपकी नजर है। अरे क्या है इसमें? एक अरे क्या तकल्लुफ कर रहे हैं आप? अब मुझे उठाओ। हाँ, तो लाभ आएगा आपको। अच्छा उठा देगा। अच्छा मेरी बात सुने, ये इनकी नजर है आपकी? और पहुंच गई आपकी नजर पहुंच गई। फिल्म बननी चाहिए। फिल्म तो बन जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए। फिल्म से पहले हम बेवकूफ बनाते हैं, फिल्म बाद में बनाते हैं। ये ले अपना डब्बा। अच्छा मेरी बात सुने ना, शूटिंग कब होगी मेरी? नहीं नहीं, ये छोड़ दो, फिल्म बन गई है। बर्फ नहीं कुटता हूँ, कैमरा ही है। अच्छा अच्छा, गाना हो गया, पक्का हो गया। अब ऐसा करते हैं, आप जाए और अब फिल्म के लिए पैसे लेके आए, ताकि फिल्म बनाने शुरू करें। ये मैंने पैसा किस चीज के लिए दिया भाई? वो तो आपने बेबी को नजर दी है। इतना अच्छा लगा तूंजे मेरे, और गिट्टे पूंजे मेरे, तो आप उसके गिट्टों में पैसे रख दिए? हाँ, तो मेरा गिट्टा पूजा। अरे आपने उसका गिट्टा पूजा है ना? हाँ। ये पैसे ले रही है फिल्म के लिए, ये तो क्या नजर में? ये क्या बकवास कर रहे हैं? शूटिंग तो आपकी हो ही जाएगी। आप बताइए कि आपका 10 लाख हमें कम, आपका 10 लाख हमें कम आएगा? आपका 10 लाख आएगा? ये विक्की का नहीं, विक्की 10 लाख आने का ना। बात सुने, मेरी बात सुने, हम आपको अभी पैसे देके जा रहे हैं। अभी चेक देके जाएंगे? चेक कैश देंगे, कैश होगा, लेकिन देंगे उसको वो जो मेरे सेक्रेटरी को मारता था। ओके ओके, पहले आके इससे माफी मांगो, फिर ये पैसे देंगे। मांगो 10 लाख आ रहा है, माफी मांगो 10 लाख आ रहा है। कितने में? 10 लाख आ रहा है। माफी माफी, थले बैग इन करो, थले बैग इन, माफ कर दे, कर दे, ये फिर दे दे, माफ कर दे, माफ करो। किस तरह माफी दो? इस तरह माफी नहीं होती, सीधी एंड करके क्या माफ कर, माफ कर दे, तेरे पैर ही पिया, माफ कर दे, यार मैं तो माफ नहीं कर रहा, भाई जी माफ हो, क्या है, माफ कर दे, माफ कर दे, अरे यार माफ कर दे, हो गया डब्बू, चल माफ कर दे, ओके माफ कर दे, यार पैसे नहीं देने, जब पैसे नहीं होंगे माफ कर दे, बड़ी बेइज्जती हो रही है इधर, बड़ी बेइज्जती हो रही है, शरीफ आदमी को माफी दे रहे हैं, देखो माफी दे, मेरी इज्जत माफी दे दी, माफी दबो, मेरी इज्जत माफी दबो, आपकी माफी दे, लग नहीं दो, बस बस, ये पैसे भी पहले दिए, देखे बात सुने, पैसे वो देखे, वो हाथ लगा रहे हैं, माफ कर दिया।
दिया। क्या किया आप लोगों ने? माफ किया उसे, काफी किया, काफी किया। अब जो वो फिल्म की रिहर्सल है ना, वो मैं कल आके करूंगी, ठीक है? यार अगर नोट दे दीजिए, क्यों आगे पाकिस्तान लिखे पीछे शल लिखे। अभी काम भाई है, अभी तो है, अभी तो है, क्या कर रहे हो तुम? चलो बाद में दोस्तों, हेलो बना लो, जरा मूड हैप्पी कर लो, जरा बना लिए हैप्पी मूड में जब प्रोड्यूसर बैठते हैं। बस कर दे तू, आज नहीं ना कर दे। ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ
मार देगा, ऐसे भी मार देगा, अल्लाह भी मार देगा, सबको मार देगा।
मार देगा। ओ भाई चिप्स करारी दाल समोसे तुम्हारा सामान तैयार हो गया है। वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, तैयारी कर लो, खा लो, कुछ पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ पढ़। तुम्हें पता है, तुम्हें पता ही है क्यों काली है, तुम्हें पता ही है क्यों काली है, तुम्हारे करतूत बाहर आए। अल्लाह की कसम है, मैं कभी बिया तो बाद रिश्वत नहीं लेती, मेरे को कोई नहीं बचेगा। नवा चैनल बनावांगे फ्रॉड प्लस। नहीं यार,
ਅੱਖ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੱਲੋ ਕੀ ਆਖ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜਿਸਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ Yeah.
उसके बाद ना उस चैनल में इंशाल्लाह ताला हमने
کاشی کا مقا کرنا ہے زندہ باد یہ کون بھائی نمستے نمستے مصری رکاسا हेलो भाई चुप नमस्ते ठीक है ठीक नमस्ते ठीक है यार नमस्ते क्या यार की गई जल्दी इको गल आई एम राधा हाँ राधा आई एम किशन ना आधा हनुमान राधा कृष्ण करो आधा आधा राधा जी आप तस्वीर रखें अभी आपके साथ चैनल के ऊपर गुफ्तगू होगी हम चैनल नया खोलना चाहते हैं कुतकुतारियां और उसमें हम आपको भी शेयर होल्डर रखेंगे अभी सब जैसे ही हमारे शेयर होल्डर इकट्ठे होते हैं सबके साथ बात हो जाएगी और हमने इस चीज को डिस्कस करना है हमने अपने चैनल को किस तरह चलाना है और उसमें हमने किस चीज को ज्यादा प्रमोट करना है आप इंडिया से आप इंडिया से आप चाहती है कि इंडियन कल्चर भी डेवलप हो बिल्कुल तो इसीलिए हमने तमाम ममालिक से लोग बुलवाए हैं ताकि हमारे चैनल में वो सच चले ठीक है नमस्ते नमस्ते हम आपको कुछ नहीं समझते अस्सलाम वालेकुम जनाब अस्सलाम भाई साहब जी हाल जी जनाब तबीयत ठीक है जी ठीक है सब खरीय थे भाई साहब ठीक है बच्चे ठीक ने जी ठीक है सारी खरीय थे इन्हें लगता है सीने ठंड माओगे थे मजा आएगा सब यार बात तो हम मैं किस सिलसिले में आया हूँ आज चैनल खोलो हेलो हेलो चैनल मेरी बात और मेरी बात तो छोड़ने भाई
बानो दे पांच कमरे से बढ़ जाते। अरे अरे ये है डाकू, रसिया तो डाकू है ये। मरहबा, दुबई दुबई से आइए। जी जी, दुबई का सारा जो हैंडल होगा चैनल वो ये करेंगे। शाकुर जमान ये 1.6 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है हमारे चैनल के, इनके लिए बहुत छोटा छोटा वाला। अच्छा, ये साथ में और ये हमारे हैं जी ए आर पुलवान। अरे बाबा, म्यूजिक डायरेक्टर सुभान अल्लाह। एक खाना का आगे गा देने, और मैं आपको अपने खुद तारुफ करवाता हूं। नहीं नहीं, तारुफ की कोई लोड़ नहीं। ए जनाब, साढ़े चैनल ऐ जेडे ने 10 घोड़े दे रहे हैं। 70 करोड़ का इनकी इन्वेस्टमेंट है। 70 करोड़ सामने
7-8 ہزار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ کی مشہوری تھی ٹھیک ہے
पेस्ट ने मशहूरी पता किवें होनी चाहिए कुड़ी आवे इन्नी इन्हें निकर पाई हो तुलिया की नंगी हो जाए इतो कुटे पेस्ट कटे इतने लावे मजे आ गए पचानवे करोड़ 70 और 95 हो गए आपके और इनकी होगी जमीन
जो कम से कम 1 अरब लागत की है, और उसमें हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। और जो रजिया तो डाकू है ये 1 अरब और 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और हमने इस चैनल पे अपने चैनल को ज्यादातर प्रमोट करना है औरतों के साथ, कम कपड़े, साहल के शॉट, क्लबों के शॉट, कैसीनो, बेगैरती, हर चीज हमने दिखानी है ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा अच्छा आ कितने लाउंड रजिया जी, आपको ये हमारा जो आइडिया कैसा लगा? अल्पसंख्यक आइडिया, अल्पसंख्यक चारों के इसका म्यार दिन ब दिन बुलंद होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए। कितने महल आ रहे? 95 करोड़। रात से नशे से वापस गए, मतलब गोली मार। सबसे पहले तो आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मुझे बड़े अफसोस से कहनी पड़ रही है कि ये जितनी भी गुफ्तगू आप तमाम लोगों ने की, जो जो बेहयाई और बेहूदगी मैंने यहां सुनी और देखी, ये मेरा ख्याल है एक पाकिस्तानी दिल, पाकिस्तानी आंख और पाकिस्तानी दबाव इस बेहूदगी को और बेशर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं पाकिस्तानी हूं और यह मेरे मुल्क की जमीन है। ऐसा मैं 70 करोड़ लगा रहा हूं। आप चाहे 70 अरब रुपया लगाए, लेकिन आपको भी शर्म आनी चाहिए। मुझे भी हमारे मुल्क में जिसे मेरे कायद ने, मेरे बुजुर्गों ने अपनी जाने दे के सर कटा के, अरे कभी सोचो ये मुल्क हमें किस तरह मिला उस आजादी को। और मैं एक बात तुम सब लोगों को बता देना चाहता हूं, आजादी एक ऐसी नेमत है जिन कौमों ने भी इसकी कदर ना की, वो सिर्फ गुलामी की जंजीरें और गुलामी के अंधेरों में खो गई। तुम लोग पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी बनकर दिखाओ। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क में रहो, खाओ, पियो, मगर खुदा के वास्ते इस मुल्क को ना खाओ, इस मुल्क को ना खाओ। बस हम वाकई पैसे के चक्कर में अपने मुल्क को भूल रहे थे, डैमेज कर रहे थे हम लोग। हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर के मुल्क हमें दिया है, हमें भी चाहिए कि इसकी कदर करें। ये सच कह रहे हैं यूसुफ साहब, बिल्कुल सच कह रहे हैं यूसुफ साहब। अपने आने वाली नस्ल को कुछ कुर्बानी तो नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम उनका अखलाक भी तबाह ना करें। और सब मिलकर हक करते हैं कि आज के बाद हम इस मुल्क में कोई बेहजाई नहीं होने देंगे, कभी कोई ऐसी सोच नहीं रखेंगे जिससे हमारे मुल्क की इज्जत दांव पर लगे और इसका वकार जो है वो नीचे जाए।